हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 4 क्वालिटी की क्वेश्चन के सपोर्टिंग मटेरियल। तो क्वेश्चन नंबर 31 मैंने यहाँ पे नोट करा हुआ, बोला गया इसमें द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर। यानी कि पानी में इस बोट की स्पीड हमें दे रखी है 15 किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर के अंदर। इट कैन गो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अगर वो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाए एंड रिटर्न डाउनवर्ड और वापस आए डाउनस्ट्रीम की स्पीड में टू द ओरिजिनल पॉइंट इन 4 आवर 30 मिनट। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो स्ट्रीम की स्पीड बताओ क्या होगी। पहले हमें इन दो वर्डों का मतलब समझना होगा ज़रूरी कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम किन्हें कहते हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देकर बता देता हूँ। जैसे हमारी ये स्ट्रीम है, यानी कि पानी की धारा, जो कि मान लो इस डायरेक्शन में बह रही है। ठीक है, ये इस डायरेक्शन बह रही है और हमारी जो बोट है, ये बोट हमारी ये भी इसी डायरेक्शन में बह रही है। तो इस केस के अंदर जब दोनों एक ही डायरेक्शन में बह रहे हों तो इसे कहते हैं डाउनस्ट्रीम। मान लो बोट की जो स्पीड है मेरी वो है x किलोमीटर पर आवर और स्ट्रीम की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। तो जो डाउनस्ट्रीम होगी स्पीड, इस केस में जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड तेज़ी से बढ़ती है। एग्जांपल के तौर पे आप ये ले सकते हो कि मेट्रो में जाते हैं तो जो सीढ़ियाँ होती हैं, ठीक है, एलिवेटर होती है, वो ऊपर की तरफ जा रही होती है। जब हम उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली ऊपर जाना शुरू कर देती है। लेकिन अगर वो भी चलती रहे और हम उसके ऊपर हम भी चलें तो हमारी स्पीड पहले के नॉर्मल आदमी के मुकाबले में बढ़ जाती है। तो यानी स्पीड हो जाती है एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। दूसरा केस ये होता है, जैसे कि स्ट्रीम है, ये तो अभी भी अपनी डायरेक्शन में ही बह रही है, इसने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं की है। लेकिन जो मेरी बोट है, इस बार मैं बोट को अपोजिट डायरेक्शन में चलाता हूँ, पानी इस तरफ बह रहा है, बोट मेरी अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, स्पीड तो मेरी अभी भी वही है एक्स किलोमीटर पर आवर और स्ट्रीम की स्पीड वही है वाई किलोमीटर पर आवर। लेकिन जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में बहें तो उसे कहते हैं अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम स्पीड। इस केस में क्या होगा, जो बोट की स्पीड होगी वो पहले के मुकाबले में कम हो जाए। क्यों? बोट जाएगी आगे, पानी से पीछे धकेलेगा, इस केस के अंदर स्पीड कम हो जाती है, यानी कि एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। तो हमें जो क्वेश्चन में दे रखा है वो ये दे रखा है कि डिस्टेंस तो 30 किलोमीटर है, कोई पर्सन है जो कि जाता तो अपस्ट्रीम में है, आता डाउनस्ट्रीम में है, तो और ऐसा करने में उसको पूरे टोटल 4 आवर 30 मिनट लगते हैं। तो बताओ स्पीड क्या होगी स्ट्रीम की। हमें क्वेश्चन में गिवन है एक्स की वैल्यू गिवन है, यानी कि बोट की स्पीड गिवन है, स्पीड ऑफ बोट ये गिवन कर रखा हमें 15 किलोमीटर दे रखा है, 15 किलोमीटर पर आवर। मैंने मान ली लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम, इसको मान लिया एक्स किलोमीटर पर आवर, तो मेरी जो डाउनस्ट्रीम स्पीड बनेगी, डाउनस्ट्रीम में क्या होता है, दोनों की स्पीड प्लस हो जाती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, और अपस्ट्रीम में स्पीड घट जाती है 15 में से। देखो जैसे मैं एक्स की वैल्यू मेरे को 15 दे रखी है, माइनस में वाई मैंने स्पीड मानी थी स्ट्रीम की, यहाँ मानी मैंने एक्स, 15 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमारे पास जो टाइम निकालने का फॉर्मेट होता है वो ये होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, और हमें टाइम यहाँ पर गिवन है 4 आवर 30 मिनट। तो पहले हम इसे कर देंगे नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल कैसे करेंगे, यानी कि 4 प्लस में 30 मिनट को लिखेंगे 1/2, ताकि मैं इस पूरे क्वेश्चन को आवर में कन्वर्ट कर सकूँ। 4 2 8 8 प्लस 1, यानी कि 9/2 आवर। 4 आवर 30 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 9/2 आवर। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर, अब ये जाता कौन सी स्पीड से है, अपस्ट्रीम से। अपस्ट्रीम कौन सी स्पीड दे रखी मेरे को, 15 माइनस में एक्स, और वापस आता है उसी पॉइंट पर कौन सी स्पीड से, डाउनस्ट्रीम से, यानी 15 प्लस एक्स, और ऐसे करके इसको कितना टाइम लगता है, 4 घंटे 30 मिनट, यानी कि 9/2 आवर।
अब हमें इस पार्ट को सॉल्व करना होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला पार्ट इतना समझ में आ गया होगा। मैंने लिया दोनों का एलसीएम, 15 माइनस में एक्स, 15 प्लस में एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 15 प्लस में एक्स, 30 इसके साथ 15 माइनस में एक्स, 9 बाय 2 मल्टीप्लाई किया इसके साथ, 450 इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 30x मल्टीप्लाई किया इसके साथ मल्टीप्लाई किया माइनस में 30x, एक बार माइनस में एक बार प्लस में है तो फॉर्मूला लग गया ए स्क्वेयर माइनस में बी स्क्वेयर 9/2। ये प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया, दोनों को जोड़ा 900, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 225x स्क्वेयर 9/2। अब यहाँ करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 9 225 माइनस एक्स स्क्वेयर एंड इसको इसके साथ 900 इंटू 2, तो 225 माइनस एक्स स्क्वेयर 9 × 2 = 18 1800 मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ गया, 9 का डिवाइड दिया कितना आया 200। इतना होने के बाद 225 प्लस का है इधर जाए किसको आ जाएगा माइनस का, 200 माइनस 225। अब 200 में से 225 माइनस करेंगे, ये प्लस का और ये माइनस का है तो आंसर किसका आएगा माइनस का 25। क्यों, बड़ा कौन है माइनस का, तो निशान आएगा माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, स्क्वेयर हटेगा सामने वाले पे अंडर रूट, तो 25 की वैल्यू जब अंडर रूट सॉल्व करेंगे इसका तो आएगा प्लस माइनस में 5। लेकिन स्पीड कभी भी माइनस में नहीं होती है, इसलिए क्या हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। मेरी जो स्पीड निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी 5 किलोमीटर पर आवर। क्या लिखूँगा मैं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, जो मैंने एक्स मानी थी वो निकल के आई मेरी 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते अगली वीडियो में, ओके बाय बाय, थैंक यू।